स्वागत है दोस्तों आपका एक और RCD की नई वीडियो में। तो भाई आज हमारा टारगेट 100 मील में जो है मिशन करने का था, बट उससे पहले ना भाई मेरे को रास्ते में एक क्वेश्चन मार्क आया और मैंने सोचा क्यों ना जो है इस पर बात कर ली जाए, क्या ही सीन है। तो यहाँ पे मैडम एक खड़ी हुई थी, तो इनसे बात करके देखना पड़ेगा मेरे को क्या सीन है। तो इनसे बात करते हैं फटाफट से। तो फिलहाल भाई देखो, इन्हें जो है कार रिपेयर करानी है अपनी, यानी उनकी जो बैटरी है शायद से वो दिक्कत हो कर चुकी है। और ये मेरे को देंगे भाई 3700 रूबल। ओके। और 11 XP, तो ट्राई कर सकते हैं क्या ही सीन है। तो हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा और ट्राई करेंगे कि भाई क्या हम जो है बैटरी रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई यहाँ पर दी गई है एक बैटरी और साथ में भाई एक मीटर दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है एक पज़ल जो कि मेरे को सोल्व करना है। बट मेरे को डायरेक्टली ले जाना है या पूरा पजल सोल्व करना है मेरे को नहीं पता। बट टाइमर भी है भाई, ओ सेट यार, ये तो भाई टाइम फेल हो ही गया, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। चलो फिलहाल जो है नेक्स्ट ट्राई हमारे पास आ चुकी है, तो 3 ट्राई हमारे पास हैं। दूसरी ट्राई में हम जो है देखते हैं क्या सीन करना है। ओके, इसको यहाँ से ऑन करते हैं, इसको यहाँ से ऑन करते हैं, इसको मेरे को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा ये लो, इसको नीचे की तरफ लाना पड़ेगा ये लो। तो सर्किट हमारा कम्प्लीट हो गया। ओके, यहाँ से ये क्या सीन है, अच्छा नीचे आ गया और भाई एक सर्किट हमारा रहा। अरे भाई यार लास्ट था यार, अरे सेट भाई साहब ये तो छूट ही गया हमारे से। तो भाई लास्ट ट्राई है और इसमें मेरे को कंप्लीट करना है, तो फोकस करने दो फटाफट से। 1 2 3, चलो इसको करना है हमें ऊपर की तरफ, इसको हमें लाना है नीचे की तरफ, इसको नीचे, इसको राइट साइड में, चलो चलो चलो। ओके, इसको डाउन साइड में, चलो हो गया, इसको लेफ्ट साइड में ले भाई, हमारा जो है कम्प्लीट हो गया। ओके, फिलहाल जो है हमने बैटरी को रिपेयर कर दिया है, बट भाई ये तो 50% हुई है यार इस, अच्छा सेम वही है, तो फटाफट से इसको अपग्रेड कर लेते हैं। अब की बारी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, पिछली बार देखते हैं 5 सेकंड बची थी, इस बार कितनी बचेगी देखो, क्योंकि दोबारा से कर रहे हैं ना तो ज़्यादा बचनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन भाई ये तो कम बच रही हैं ऐसा क्या। चलो 5 ही सेकंड जो है बची हुई हैं, यानी हमारी ऑलमोस्ट स्पीड सेम सी रही, लेकिन जो है हमने फाइनली बैटरी को रिपेयर कर दिया और कमा लिए हैं भाई 3700 रूबल, जो कि बहुत बढ़िया सीन है। तो फिलहाल देखो गेट रिवॉर्ड का ऑप्शन आ चुका है, फटाफट से रिवॉर्ड लेते हैं। फाइनली जो है गाइस, अब हम जो है आ चुके हैं 100 मील पर, जो कि आज का हमारा टारगेट है भाई। 100 मील से ना जो है कुछ मिशंस मेरे को करने पड़ेंगे, क्योंकि जो है कुछ और मिशंस जो है खोलने पड़ेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई 100 मील की स्टोरी क्या है, तो पिछली वीडियोस जा कर के देखो, और जो भी भाई चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी स्टोरी देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट फिलहाल जो है आज हम मिलने वाले हैं मैक्स से, और मैक्स कौन है भाई वो जा कर के वीडियोस चेक करनी पड़ेंगे तुम्हें, जब जाके ही पता लगेगा। बट थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, ये जो है हमें एक ट्रेन में मिले थे जब हम अपनी जेल की सज़ा काट करके आ रहे थे। बट भाई इस बंदे ने मेरे को जॉब ऑफर करी थी, जो कि बहुत शानदार मेरे को लगा। फिलहाल भाई ये मेरे को बुला रहा है 7:12 में, तो भाई टाइम लगेगा। ओके गाइस, तो आ चुके हैं दोबारा से, और भाई ये देखो रेस मार के क्या हाल हुआ गाड़ी का। फिलहाल जो है टाइम हो चुका है, तो अपन जो है मिशन स्टार्ट करते हैं और आज देखने वाले हैं भाई मैक्स भाई हमें क्या काम देने वाले हैं। तो फिलहाल जो मैं बता रहा था आपको, अच्छा पहले जो है मैक्स से बात करनी पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फटाफट से जो है बात करते हैं। ओके, तो बात हो चुकी है और भाई ने कहा है कि पहले जो है पहला वर्कर को ढूंढो जो कि 100 मील का है। तो फिलहाल बात मैक्स से मेरी ये हुई है कि भाई इसके कुछ वर्कर्स ना काम पे गए थे, बट वो जो है अभी तक नहीं लौटे, टाइम हो चुका है, ये उनको देखने नहीं जा सकता क्योंकि भाई इसको बिजनेस में यहाँ पे ज़रूरत है। तो इसने मेरे को ट्राई किया है कि भाई उन बंदों को देखो कहाँ अटके हुए हैं, क्या सीन है। तो भाई फिलहाल जो है पहला वर्कर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो मिशन का नाम आ चुका है हेल्पिंग हैंड, यानी बेसिकली मेरे को नाम से तो ऐसा लग रहा है कि भाई हमें जो है उन वर्कर्स की हेल्प करनी पड़ेगी, शायद से वो किसी प्रॉब्लम में है। तो चलो फटाफट से जो है मिशन को आगे बढ़ाते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो भाई आ चुके हैं हम 400 मीटर के करीब, और भाई ये देखो यहाँ पे भाई वर्कर हमारा पहला मिल चुका है, और भाई साथ में है एक शानदार ट्रक जो कि भाई लकड़ियों से लदा हुआ है। तो फिलहाल जो है हम वर्कर से बात करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि देखो और कोई ऑप्शन है नहीं अभी हमारे पास। तो देखते हैं भाई क्या परेशानी है इस भाई को, भाई साहब लेकिन ट्रक मस्त ले रखा है, तो बात करते हैं फट दी। ओके गाइस, तो बात हो चुकी है, उसने मेरे से कहा कि भाई गैसोलीन चाहिए मेरे को, और अपन जो है गैसोलीन लेकर के आ चुके हैं। ये देखो भाई यहाँ पे आ चुके हैं हम पेट्रोल पंप पे, और भाई क्राउच करके गैसोलीन लेनी है। अगर आप पहली बार खेल रहे हैं इस गेम को तो ये ध्यान रखना, कुछ भी आइटम्स मतलब डाउन पड़े हुए हैं तो वो लेने हैं तो क्राउच करना पड़ेगा। तो आई होप कि जो है आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो फिलहाल जो है अपन लेकर के चलते हैं और बात करते हैं भाई इससे। ये देखो भाई फिलहाल हम जो है आ गए हैं वर्कर के पास, और अब मेरे को इसको गैसोलीन देनी है और बात करनी है कि भाई क्या ही सीन है।
चलो तो बात हो चुकी है और उसने मेरे को थोड़ी बहुत जो है विशेज भी दी। और अब हमारे पास ऑप्शन आ चुका है फाइंड द सेकंड वाले को। भाई सेकंड वाला जो है अब हमें ट्राई करना है कि बंदा कहाँ पे है, तो आई होप कि जो है हमें मिल जाए नज़दीकी। ये देखो भाई सेकंड बंदा है यहाँ पे, तो फटाफट से यहाँ पे भी चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या सीन होने वाला है। तो लेट्स गो गाइस। चलो तो गाइस फिलहाल जो है हम आ चुके हैं और आ गए हैं भाई बहुत नज़दीक, लेकिन भाई इसकी गाड़ी मेरे ख्याल से स्टोन स्टोन में फंसी हुई है, दिख तो ऐसा कुछ रहा है फिलहाल जो है। लेकिन मेरे को इससे बात करनी पड़ेगी कि भाई क्या ही सीन हो गया, ऐसा यहाँ पे क्यों अटका हुआ है। ओके चलो फिलहाल जो है अपन बात करते हैं। हाँ भाई सर क्या हाल है? हेलो सर हाउ आर यू, कैसे हो आप? पुल द स्टोन्स विद ए विच। ओके तो भाई हमें विंच से जो है स्टोन को हटाना है, तो ये तो एक बहुत लंबा टास्क हो जाएगा। विंच से तो भाई दिक्कत आने वाली है। आई होप कि जो है आपको विंच का यूज़ पता होगा, बट फिर भी अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल से गाड़ी को स्टोन के पास ले जाना है और विंच प्रेस करना है, तो गाड़ी में जो है एक रस्सी लग जाएगी। बेसिकली आपने देखा होगा ना नॉर्मल लाइफ में भी जो है एक रस्सी से खींच लेते हैं किसी चीज़ को, वो टाइप का कुछ सीन है। बट मैं उससे भी बढ़िया आइडिया आपको दे रहा हूँ यहाँ पर इस मिशन में। आप भाई विंच यूज़ ना करके ना डायरेक्टली गाड़ी यूज़ करो। देखो ऐसे, ये देखो मतलब एक बारी में कितने सारे स्टोन्स जो है हमने हटा दिए। तो इस टाइप से जो है आप इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक इजी टास्क होगा। और सबसे ध्यान वाली चीज़ आपको क्या करना है, ये देखो ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप स्टोन हटाओगे ना तो इनका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब जो है स्टोन हट चुका है, ठीक है। और देखो स्टोन के पास आके ऐसे विंच लगाओगे तो लग जाएगी, बट ये क्योंकि स्टोन मैंने हटा दिया तो नहीं लग रही। फिलहाल मेरे पास जो है 2-3 स्टोन और बचे हैं, तो इनको मैं जो है हटा देता हूँ फटाफट से। देखो इसका कलर सेम नहीं है ना उनके जैसा, तो इसको हम जो है उधर की तरफ हटाएंगे और इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई जो है स्टोन हट चुका है कि नहीं हट चुका। तो इस तरीके से जो है आप इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल भाई आगे बढ़ते हैं और इस स्टोन को देखो, ये देखो कलर चेंज हुआ ना। तो इस तरीके से जो है सारे स्टोन्स को हटाना है और मिशन को कंप्लीट कर ले जाना है। तो फिलहाल हमारे पास 3 स्टोन बचे हैं, इसको भी जो है फटाफट से उधर की साइड ही ले करके चलते हैं। ये तो भाई बहुत दूर ले जाना पड़ रहा है मेरे को। ओके तो फिलहाल भाई ये भी जो है हट चुका है और 2 स्टोन अभी भी बाकी हैं। यार 2 स्टोन्स तो भाई बहुत होते हैं, तो भाई इनको भी हटाना पड़ेगा ना फटाफट से। चलो जो है फटाफट हटाते हैं। देखो भाई ये ऊपर की तरफ चल गया ना, अब मेरी गाड़ी जो है ना लोड मारने लगी, तो आई थिंक जो है अब इसको जो है अपग्रेडेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है गाड़ी को मेरी, क्योंकि भाई इंजन ही अपग्रेड किया था भाई, और उसके साथ ही हमने भाई जो है पैसा वैसा भी कमा लिया। तो आई थिंक जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको अपग्रेड करेंगे थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी जानदार गाड़ी बन सके। देखो इसकी हालत देख रहे हो क्या हाल है। फिलहाल मेरे को जो है डाउन गियर लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसे तो ये गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगी ऊपर, इसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। चलो तो लास्ट जो है स्टोन रह जाएगा इसके बाद। ये देखो भाई ये भी हट चुका है और ये भी हट चुका है, तो फिलहाल एक स्टोन रह चुका और इसको मेरे को हटाना ही पड़ेगा। ओके थोड़ा सा पीछे लेते हैं। ये देखो भाई मैंने जो है ना वर्कर को ही ठोक दिया भाई, लेकिन वो बच जाएगा क्योंकि सीन ही ऐसा है भाई। ये देखो चलो तो फिलहाल जो है हम आगे बढ़ चुके हैं और भाई ये देखो 1, 2, 3 ये देखो भाई कलर चेंज हुआ जैसे ही हमारा टास्क अपडेट हो चुका है। मिशन कंप्लीट आई थिंक मेरे हिसाब से हो चुका है, या फिर हमें ढूंढना पड़ेगा एक वर्कर, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल मेरे को जो है वर्कर से बात करनी है, तो गाड़ी को लगाते हैं और वर्कर से बात करते हैं कि भाई क्या ही सीन है आगे का। ये रहा भाई वर्कर। हेलो सर क्या हाल है बताएं। ये भाई मेरे को ना इसकी गाड़ी मस्त लग रही है, और ये जो इसने एक इसमें आर्म दी हुई है ना लकड़ी को उठाने के लिए, ये बेस्ट है भाई, फटाफट से उठा करके रख देता होगा ये। चलो फिलहाल इससे बात कर लेते हैं यार। ग्रेट थैंक यू। ओके 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 गुड ट्रिप। तो फिलहाल जो है हमारा मिशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपने इस मिशन को एंजॉय किया होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।